हाँ दोस्तों, खड़पत्तिया। माता रानी की दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ शनिदेव के मंदिर में। जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि शनिवार के दिन मेरा व्रत है, तो मैं शनिदेव के मंदिर में जाती हूँ। तो आज दोस्तों ठंड की वजह से मैं नहीं आई अकेली। मेरे काम, मैं तो स्कूटी पे अकेले नहीं जाऊँगी, और कार लेके मैंने समझा नहीं ठीक कि उतनी दूर तक मैं कार लेके अकेली जाऊँ। मतलब वैसे जाती तो हूँ काले की इतनी दूर तक, पर मन नहीं कर रहा था अकेले आने का। तो आज मैंने अपने हबी जी को बड़ी मुश्किल से पटाया ही बोलेंगे जय देवता की। तो आज फाइनली मेरे पति देव मेरे को शनिदेव भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हेलो, आप बोलोगे कुछ? नहीं, बढ़िया, आनंद, खुश रहो। अरे यार, आप प्रणाम तो करो सबको पहले। प्रणाम सभी लोगों के लिए। मेरे पति प्रणाम कर ही नहीं रहे यार, क्या बात होगी? अब जब मेरे मायके के साइड है, हम प्रणाम प्रणाम ही करते हैं। और तो मेरे पति नमस्ते बोलते थे पहले, लेकिन अब प्रणाम प्रणाम ही करते हैं। तो बेचारे, नहीं भगवान ने कितने शरीफ बनाए हैं। शरीफ नहीं है, मैंने जैसे बताया था पहले भी, शरीफ नहीं है। इस गलत फहमी मत रहना आप लोग कि शरीफ होंगे, शरीफ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है शरीफ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको आगे शनिदेव जी के मंदिर में। ये कौन कौन हो क्या चिपन? ये देखिए दोस्तों, कुल्लू, कुल्लू भन्नु। हाँ, ये कुल्लू भन्नु है दोस्तों, कुल्लू भन्नु गांव, देख सकते हो आप लोग। देखिए ये रोड गई सुमारी वास के लिए, हमारे गांव के नीचे, यानी हमारी ग्राम सभा है। तो यहाँ से रोड कटती है वहां के लिए। यहाँ जो कोल्लोभनो गांव है दोस्तों, यहाँ पे बहुत गर्म इलाका है। और यहाँ से ऊपर आप लोगों को पता ही होगा, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ ज़्यादा चीड़ के पेड़, ऐसी खड़ी भ्यू बोलते हैं, तिमलू बोलते हैं, ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ये देख सकते हो आप लोग। और हमारे इधर ज़्यादा बांझ के पेड़ ही हमारे यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बांझ की जड़ी, उपटो ठंडो पानी, रेवल, ये देख सकते हो कुल्लू भन्नु गाँव। तो चोपता मार्केट, तो हम चोपता मार्केट भी जाएंगे। हाँ, तो हम चोपता मार्केट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शनिदेव के दर्शन करेंगे, थोड़ा पूजा पाठ करेंगे और निकल जाएंगे अपने घर के लिए। दुकान पे भी कोई नहीं है, दुकान में भी जाना है, घर जाके खाना भी बनाना है हम लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हम। जय हो शनिदेव महाराज की, जय हो। ये देखिए,
देखिए हम आ चुके हैं शनिदेव के मंदिर में, देख सकते हो आप लोग। जैसे कि मैंने अगले ब्लॉक में भी आपसे शनिदेव के दर्शन करवाए थे, और आज भी देखिए साक्षात शनिदेव के दर्शन हमें हो चुके हैं। जी हो शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज आप लोगों पे भी और मुझ पे भी, मेरे परिवार पे भी और आप लोगों के परिवार पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं शनिदेव महाराज और हनुमान जी से। तो दोस्तों ठीक है, अभी निकलते हैं हम घर के लिए, और मिलेंगे आप लोगों को आगे, अगर मौका मिलेगा आगे कहीं दिखाने का तो आगे का नज़रिया मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और नहीं तो आप लोगों को जैसे पता है दुकान पे जाके मैं आप लोगों को मिलूंगी। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। जय माता रानी की। हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अभी गई थी चोपता, और चोपता से घर आके मैं अभी दुकान पे बैठी हूँ। तो दोस्तों आज सबसे बहुत ही आप सबको मैं बहुत खुशी की बात बताना चाहती हूँ कि आज पहाड़ी बातें यूट्यूब पर आपने देखे होंगे, सुने होंगे, और यूट्यूब पे आपने उनका चैनल देखा होगा। तो पहाड़ी बातें मेरी दुकान पे आके मुझसे मिलने आए हैं, और बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आपसे मिलवाती हूँ पहाड़ी बातें मेरे प्यारे से भाई। हेलो हेलो, नमस्ते आप सभी को, ये देख और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा दीदी को मिल लेते हैं, क्योंकि दीदी का बात करने का तौर तरीका इतना अच्छा लगता है, हर किसी को पसंद आता है। तो मैंने कहा फिर मिल ही लेते हैं अपने ही लोग समझ के, और बिल्कुल इतना प्यार इतना सपोर्ट आप लोग देते हो दीदी को और हम लोगों को, तो फिर इतना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से भाई, और मैं माता रानी से माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करूँगी कि आप अपने यूट्यूब में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करो, और ऐसे ही मुझे मिलने आओ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे को मिलने आई इतनी दूर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों तो देखिए आप भी जितने भी मेरे फैन हैं, जितने भी लोग हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाके पहाड़ी बातें सर्च मारिए, और देखिए कितना अच्छा हमारी गढ़वाली संस्कृति आप लोगों को दिखने को मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों जाके यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या बताऊं, कभी कभी सच में इतनी वो हो जाती हूँ मैं कि मैं बोलती हूँ हे भगवान, मैंने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी दूर दूर से और इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलने आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सब लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और पहाड़ी बातें यूट्यूबर भैया जो मेरे मतलब मेरे से छोटे ही हैं, मेरे भुलाई बोलूँगी मैं उनको, तो भुलाई है मेरा, तो इतनी दूर से मुझे मिलने आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे से भैया तेरे लिए कि तू इतना इतनी दूर से और मेरे को मिलने आया। तो दोस्तों मैं तो ये बोलती हूँ कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ अपनी वाणी और कुछ अपना व्यवहार होता है कि जिससे लोग मानते हैं मतलब इज्जत करते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, और आशा करूँगी कि आप लोग मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट आगे भी देते ही रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप सबको फिर से मेरा सादर प्रणाम, और जय माता रानी की। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। जय हो।